हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, आज हम करने वाले हैं सार प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। तो ये कैसा अरेंजमेंट है और इसको प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट क्यों बोला जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो डेफिनेटली कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको जिसके लिए आपको हमारे कॉमर्स की पाठशाला चैनल के ऊपर विजिट करना होगा। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ये ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आकर के सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। और करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसको आपको दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद अगर आप मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है, तो आप इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे प्लान को खरीद सकते हैं, जो कि एमकॉम के लिए है 159 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत ही एक नॉमिनल सा फी है। क्योंकि अगर आप ट्यूशंस करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 159 रुपीज ही लग रहे हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स आप जान के चौंक जाएंगे कि आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स मिल रही है। आपको सबसे पहली बात तो क्या, असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि आपको किसी भी ट्यूशन में कभी नहीं मिलेगा असाइनमेंट्स, है ना। और साथ ही साथ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। कई लोगों को ट्यूशंस पढ़ने के बाद भी नोट्स खरीदने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, तो यहाँ पे नोट्स आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, आपको हर एक तरह की क्वेरी, हर एक तरह का जो भी आपके मन में डाउट है उन सबको क्लियर किया जाएगा। तो ये हमारा वादा है, और आप चाहें तो हमारे इस मेंबरशिप प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस ज्वाइन बटन, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे मेंबरशिप प्लान के बारे में। बात कर लेते हैं प्लेलिस्ट के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे जो वीडियोस हैं हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, चीजें जो हैं ऑर्डर में नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि चीजें जो हैं यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में संजो करके रखी है। आपको करना क्या है कि एमकॉम में विजिट करने के बाद, कॉमर्स की पाठशाला के एमकॉम कॉमर्स की पाठशाला की प्लेलिस्ट में आने के बाद, ये देखो एमकॉम का यहाँ पे एक टैब आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, नीचे की तरफ आओगे, आपको इग्नू एमकॉम का यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा, है ना, जहाँ पे एमकॉम से रिलेटेड सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7, टोटल 12 के 12 आप जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं, आपको दिख रहा होगा, और भी वीडियोस होंगी, जब तक आप देखेंगे तब तक शायद और भी ज्यादा वीडियोस हो जाए। तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच करें, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट तो होते ही है, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर हमारे टॉपिक की तरफ, जो की है शार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है और इसको करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सो द फॉलोइंग द इनिशिएटिव टेकन ड्यूरिंग द 6th सार्क समिट कोलंबो 1991 टू एस्टैब्लिश साप्टा फॉर इंक्रीजिंग इंट्रा ट्रेड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ ऑन शार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, जो कि जिसे हम साप्टा कहते हैं, वाज फाइनलाइज्ड बाय द कमिटी ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेस्ड ऑन ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय इंटर गवर्नमेंट ग्रुप, जिसे IGG के नाम से जाना जाता है, ऑन ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी 1991 में जो है लिबरलाइजेशन होता है, जिसके तहत हम लोग बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो इंडिया में आकर के एक तरीके से स्टार्ट कर सकें। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए या फिर इसी से रिलेटेड एक चीज और होती है, तो 6th सार्क समिट होता है कोलंबो में, मतलब श्रीलंका में, जो 6th सार्क समिट होता है 1991 में, उसके कारण से जो जो भी शार्क के जो मेंबर कंट्रीज है वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक साप्टा नाम का एक इंटर ट्रेड, एक तरीके से इंटर रीजनल ट्रेड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, जिसका नाम हम रखेंगे शार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम, विच इज साप्टा, है ना। ये एग्रीमेंट जो है एक तरीके से इसको फाइनलाइज किया गया बाय द कमिटी ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना, जो कमिटी थी CEC की, उसने इसको फाइनेंस किया ऑन अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय, और इसको प्रिपेयर किसने करा था, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप। यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो भी कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करा कि हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और इसको फिर जाकर के फाइनलाइज किया गया बाय द कमिटी ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसका नाम क्या रखा गया, साप्टा। आपको ये नाम जो है याद रखना है। The foreign ministers of all SAARC member countries signed the agreement on 11th April 1993 during the 7th SAARC summit in Dhaka, है ना?
तो जो भी लोग होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं शार्क के अंदर, टोटल सात सात या उससे ज्यादा, सात नहीं आई थिंक नौ जो है इसमें मेंबर्स हैं। तो 1993 में जाकर के सारे मेंबर्स ने, जो फॉरेन मेंबर्स हैं, उन्होंने इस ड्राफ्ट के ऊपर साइन किया, इस लॉ के ऊपर साइन किया कि हम इसे जो है फॉलो करेंगे। ये साइन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। तो ये जो सेवन समिट था, छठे समिट में इसकी आधारशिला रखी गई और सातवें समिट में इसको पूरा कर दिया गया। सातवें समिट में ये डिसीजन लिया गया कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स थे हर एक कंट्री के, उन सब के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर दस्तखत लिए गए। दिस एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सार्क, एज इट इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन अ लॉन्ग वे इन प्रोमोटिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इन ग्रेजुअली रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज, है ना। तो ये एक तरीके से लैंडमार्क एग्रीमेंट था जिसके कारण से आने वाले समय में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली थी। यहाँ पे इंट्रा गवर्नमेंटल ट्रेड की बात की जा रही है, इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात की जा रही है। सपोज इसमें जैसे कि इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों है, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है वहां पे करेंसी जो है। ऐसा नहीं है कि उनको जो करेंसी पेमेंट करनी है वो उनको रुपी मतलब तो डॉलर में पेमेंट करनी है वो रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। मतलब सपोज पाकिस्तान ने हमसे कुछ सामान खरीदा तो उन्होंने हमें जो है रुपी पेमेंट किया, पाकिस्तान ने रुपी हमें पेमेंट किया। फिर जब हम लोगों ने पाकिस्तान से कोई सामान खरीदा तो हम लोगों ने अपना रुपी नहीं दिया बल्कि उन्हीं के रुपी को उनको वापस कर दिया। आप समझ रहे हो? तो ये जो इंटरचेंज है, यहाँ पे देखो डॉलर का जरूरत नहीं पड़ रहा है, किसी भी करेंसी का लेन देन का जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पे सिंपली आप करेंसी उनकी ले रहे हो, और जब भी आप ट्रेड का जो दूसरा हिस्सा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जब आप वो कर रहे हो तो फिर आप जो है वहां पे उन सारे पैसों को वापस भी कर दे रहे हो, है ना। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। और इस एग्रीमेंट के कारण जो ट्रेड के जो बैरियर्स थे जिसके कारण से ट्रेड नहीं हो पाते थे, उन सबको दूर करने में भी काफी ज्यादा हेल्प मिली, और धीरे धीरे जो है ये काफी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन पाया। सार्क के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अभी के टाइम पे सार्क में जो है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, उसके कारण से सार्क को जो है बहुत ज्यादा महत्व अभी इंडिया नहीं देता है। इंडिया का जो मेन फोकस है वो भी बिम्स्टेक के ऊपर है। बिम्स्टेक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है ना। जैसे कि सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, है ना, उसी तरीके से बिम्स्टेक का क्या फुल फॉर्म है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो अब इसके एग्रीमेंट होने के बाद जो इसके बेनिफिट्स निकल करके आए, मैं एक एक करके उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला बेनिफिट था वो ये था कि द कंट्रीज कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल कॉन्टिजनिटी अमंग द मेंबर्स, है ना। तो जो कंट्रीज थी वो अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को, अपने ट्रांजिट कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर पा रही थी, क्योंकि जो जियोग्राफिकल एक तरीके से कॉन्टिजुटी होती है उसके कारण से वो लोग जो है इसको रिड्यूस कर पा रही थी। सार्क के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इंडिया के नीबरिंग कंट्रीज है ना, तो यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत ज्यादा इशू नहीं है। और इंडिया एक लैंड लॉक कंट्री तो बोलना में सही नहीं होगा, लेकिन इंडिया तीनों तरफ से जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं सार्क के, जो नीबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ट्रेड जो है बहुत आसानी से हो पाता है, ट्रेड को ज्योग्राफिकली करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि साप्ताह के आने से ट्रेड जो है उसमें ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉस्ट में सब्सटेंशियली रिडक्शन आया, जिसका बेनिफिट जो है सारे कंट्रीज को मिला। दूसरा पॉइंट है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस विद इन द रीजन मे बी मोर कंपेटेबल टू द फैक्टर एंडाउमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स देन दोज इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो जो भी गुड्स, जो भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे किसी सार्क कंट्री के द्वारा, उसको आपस में शेयर कर लिया जाता था, ताकि आपको जो है बाहर से सेम चीज को ना मंगवाना पड़े। जैसे पहले क्या होता था ना कि हमें हमारी जो मशीनरी थी, है ना, हमारे पास मशीनरी बहुत ज्यादा होती नहीं थी, तो हमें जो है अमेरिका के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था अपने कैपिटल गुड्स मशीनरी के लिए, है ना। तो जब किसी शार्क कंट्री में कोई मशीनरी कुछ ऐसी तैयार हुई जिसका बेनिफिट सबको मिल सकता है, तो शार्क कंट्री के मेंबर्स उसको आपस में शेयर कर लेते थे। उसके बदले जो डेवलप जो, जो जिसने उसे डेवलप किया उसको बेनिफिट मिलता था, बट ये एक आसानी थी, है ना। वेयर एज पहले क्या होता था कि आपको अपने सामान को डेवलप्ड कंट्रीज से मंगवाना होता था, है ना। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट हो गया इंक्रीजिंग कंपटीशन अमंग द मेंबर्स स्टेट्स दैट इट वुड रिजल्ट इन टेक्निकल एफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री एज अ मार्जिनल फर्म्स माइट बी फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, जो ट्रेड था वो चूंकि मेंबर्स कंट्रीज के बीच में बढ़ रहा था, उसके कारण से एक कंपटीशन बढ़ने लगा। तो जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपको पता है जो टेक्निकल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक कंट्री कोशिश करती है कि उनका ट्रेड में फायदा ज्यादा हो, तो वो टेक्निकली चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, है ना। तो इसका बेनिफिट जो है सारे के सारे कंट्रीज को मिला, और आगे जा करके जो जो फर्म्स थे, जो मार्जिनल फर्म्स थे, उनको बहुत फायदा होने लगा, क्योंकि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, है ना। रिसोर्सेज विल बी रीअलोकेटेड अवे फ्रॉम द लेस एफिशिएंट फर्म्स एंड मोनोपोलीज प्रोटेक्टेड बाय द टैरिफ
वॉल विल नो लॉन्गर बी इन द शेल्टर्ड पोजिशन, है ना। तो जो टैरिफ वॉर एक तरीके से चलता, जो टैरिफ वॉल था वो एक तरीके से इसके कारण से बंद हो गया, जो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही थी उसको एक तरीके से ठीक किया गया, रिसोर्सेज का एलोकेट किया गया ठीक तरीके से, तो इसको जाकर के जो है बहुत सारी बेनिफिट जो है इसकी मिली हमें, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है एज इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्गर एंड कंट्रीज बिकम कमिटेड to common economic goals, political problems will gradually recede या फिर recede है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि जब economic ties किसी country का किसी country के साथ होता है ना, तो उनके बीच में जो political problems है वो ठीक हो जाती है, ठीक होने लगती है धीरे धीरे, gradually ठीक होने लगती है। तो चूंकि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड बहुत बेहतरीन हो रहा था, तो देखना पिछले समय में, पिछले 4-5 साल जब से नई गवर्नमेंट बनी है, उसके पहले जो ट्रेड था या इवन जो रिलेशंस थे, कल्चरली जो हेरिटेज है, हम लोग आपस में बहुत ज्यादा शेयर किया करते थे, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया बांग्लादेश हो, इंडिया नेपाल हो, सबके साथ एक तरीके का अच्छा रिलेशन जो है बन गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्गर होंगी, अच्छी होंगी, तो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो घटेंगी, है ना। When economic benefits gain significance, amiable environment may evolve for dissolving political problems. वही बात बोली जा रही है कि जब economic benefits मिलने लगेंगी सबको significantly, उनका share मिलने लगेगा, तो धीरे धीरे करके जो भी जो political जो problems है वो भी धीरे धीरे करके ठीक होती जाएंगी, है ना। तो दिस इज द फिफ्थ बेनिफिट दैट वी विल गेट दैट वी गॉट जब इसको स्टार्ट किया गया साप्टा को, है ना। पांचवा बेनिफिट जो हमें मिला वो ये था कि रीजनल कोऑपरेशन में आल्सो पेव द वे फॉर रीजनल बैंक्स और कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन विच माइट बी इन्फ्लुएंशियल इन प्रोमोटिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट इन लार्ज प्रोजेक्ट्स, है ना। तो आगे जाकर के आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, बहुत सारे ऐसे बैंक, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं जब इंट्रा रीजनल जब ट्रेड होता है, जब इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो बैंक बनते हैं जो कि एक तरीके से जो किसी भी कंट्री का जो एक तरीके से वहाँ पे प्रमोशन है ना, लार्जर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेकर के आना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करना, इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो रीजनल कोऑपरेशन बेहतर होने के कारण जो रीजनल बैंक थे उनको तैयार करने के लिए रास्ता मिल गया, है ना, वहां पे कॉर्पोरेशंस तैयार करने के लिए रास्ता मिल गया, और आगे जाकर के ये जो चीजें थी वो इन्फ्लुएंशियल थी प्रमोटिंग रीजनल इन्वेस्टमेंट इन लार्जर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जो है सपोज इंडिया का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, आपको पता है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे पैसे हम लोगों ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं और भी लगा रहे हैं, ताकि हमारा रिलेशन आपस में बना रहे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो ये सारी बेनिफिट्स है ना, ये शार्क के होने से, शार्क में साप्टा एग्रीमेंट के होने से जो है बेनिफिट वहाँ पे सारी कंट्रीज को मिलती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री को मिलती थी, सारी कंट्रीज को मिलती थी, है ना। हालांकि जिसका शेयर ज्यादा होता है बेनिफिट उसको ज्यादा मिलता है, जैसे कि इंडिया का शेयर शार्क में बहुत ही ज्यादा है ना, तो उसको बेनिफिट मिलता है, है ना। तो इस तरह की बेनिफिट जो है हमें मिलने लगी जब शार्क में साप्टा एग्रीमेंट होता है, जिसे हम शार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप चाहें, अप्रोच भी करना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पे विजिट करके इस ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एमकॉम का जो है सेक्शन, उसमें आपको आकर के फिर ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके आपको हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। ढेर सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मैंने बताया था, इन सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के बाद ये जो चैट व्हाट्सएप का जो लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, जो कि एक्सक्लूसिवली एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उसके साथ आपको जुड़ जाना है, और यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।